प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ફરીથી ગુજરાતની મુલાકાતે છે। કાર્યક્રમ તો સરકારી છે પરંતુ રાજનીતિક ગલિયારોમાં ચર્ચા તેજ બની ગઈ છે। નમસ્કાર, હું છું દીક્ષિત ઠકરાર અને આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક। પીએમ મોદી ફરીથી એક વખત ગુજરાત પ્રવાસે છે તે આવી રહ્યા છે। વચ્ચે એક વખત ગુજરાત પ્રવાસે આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલાનું પદ લઈ લેવામાં આવ્યું હતું। त्यारबाद गुजरात संगठन में कई समूह सूत्र नहीं, खास भारतीय जनता पार्टी संगठन में तमाम लोगों ने खबर है। कारण के संगठन में घना बदा फेरफार आया, सी आर पाटिल सीएम ने दिल्ली दरबार में बोलावाया था, अनेक बैठकों दौर थो। त्यारबाद अमित शाह गुजरात आने पहला ज नोरते बैठक है गमगमाट करो, परंतु आ बैठकों तर्क शू तो हजू सुधी कोई नहीं खबर पड़ी कि आ बैठकों तर्क शूँ। परंतु हवे जे भाजपना संगठन माटे एक राहतना सारा समाचार आवी शके छे। घणा समय थी वात हती कि दिवाळी पहला सी आर पाटिल टीम में जे सभ्यो घटी छे अथवा तो नाना मोटा फेरफार करवाना छे ते थई शके तेम छे। अने आ वक्ते तमाम लोग एज राह जोईने बैठा छे कि नरेन्द्र मोदी गुजरात आवशे, राजभवन रोकाशे ने त्यां बैठको थशे, अने एक तो नवा महामंत्री कोण, कारण के प्रदीपसिंह वाघेला अने मध्य गुजरातना महामंत्रीनुं पण राजीनामुं पंकज चौधरीए पण राजीनामुं आप्युं होतुं, तेना स्थाने पण कोई नवा मंत्री छे तो बनवाना छे। तो जे लोकसभा चूंटणी लड़वाना हशे विनोद चावड़ा जेवा नेता तेने यथावत रखाशे कि तेनी जगह सौराष्ट्रने पण नवा महामंत्री बनशे। कारण के एक वात एवी पण छे कि सौराष्ट्रना महामंत्री भरत बोघराने बनावाई शके छे, परंतु बीजी बाजू भरत बोघरा पोरबंदर अथवा तो राजकोट लोकसभा माटे पण प्रयत्नो करी रह्या छे। एटले के अनेक गणित छे ते लागी रह्या छे चूंटणी पहेला। परंतु आ तमाम वच्चे नरेन्द्र मोदीनो गुजरातनो आ प्रवास छे तो खूब महत्वनो, कारण के राजकारणना तमाम नेताओं एटले के भारतीय जनता पार्टीना तमाम नाना मोटा नेताओं कदाच तेने चांस मळी जाय तेवी आशा राखीने बैठा छे। तो बीजी बाजू सरकार में पण एवी चर्चा हती कि केबिनेट में फेरफार आवशे कि केम नवा मंत्रीओ, परंतु हजू पण गुजरात तक पासे जे माहिती छे जे इन्फॉर्मेशन छे ते प्रमाणे मंत्रीओए हजू पण राह जोवी पड़शे। परंतु कदाच बोर्ड निगम मामले चर्चा करी शके छे, परंतु आ जो अने तोनी वात छे। परंतु दिवाळी पहेला एक एवा संकेतो तो मळी रह्या छे कि नवी सी आर पाटिल जे टीम छे ते बनावाई शके छे, कि सौराष्ट्रने पण कदाच नवा महामंत्री मळी शके छे, कि मध्य गुजरातना महामंत्रीनुं पण राजीनामुं हतुं, दक्षिण गुजरातना पण प्रदीपसिंह वाघेला महामंत्री हता तेनुं पण राजीनामुं हतुं। एटले के जे महामंत्री के जे भाजपनी कोर टीम छे, नरेन्द्र मोदी पण पोताना करियरनी शरूआत आ महामंत्रीथी करी हती, त्यारे अत्यारे गुजरातना महामंत्रीओमां ज घणा बधा आ डखा छे ते पड़ी हता। विधानसभानी चूंटणी बाद तो मध्य गुजरातना महामंत्रीनुं राजीनामुं लई लेवामां आव्युं हतुं, परंतु त्यारबाद हजी नवी निमणूक तो नथी थई। त्यारे सी आर पाटिलने तो एवी लीली झंडी मळी गई छे कि तेओ फरीथी एक वखत प्रदेश अध्यक्ष छे, ते रिपीट छे। जो कि सत्तावार जाहरात बाकी छे, औपचारिक जाहरात थई चूकी छे, परंतु सत्तावार रीते आवी कोई जाहरात नथी आवी। त्यारे सी आर पाटिलनी पण जाहरात थशे, जेनी साथे साथे नवी टीम छे सी आरनी तेनी पण जाहरात थशे। कारण के लोकसभानी चूंटणीना हवे गणतरीना महिनाओ बाकी रह्या छे, अने गणतरीना महिनाओमां सीधी रीते गुजरातना प्रदेश अध्यक्षना फेरफार करवाना पार्टी कोई मूळमां नथी। कारण के 156 बम्पर जीत भले भाजपने मळी होय, परंतु भाजपने ए पण खबर छे कि 26 बैठक लावानी छे। पाटिले तो 5 लाखनो टार्गेट पण मूक्यो छे। त्यारे आ तमामनी वच्चे संगठनमां दिवाळी पहेला फेरफार आवे तेवा समाचार छे ते अत्यारे मळी रह्या छे। तमने शुं लागे छे कि दिवाळी पहेला संगठनमां फेरफार आवशे कि नहीं, तेना माटे कॉमेंटमां जणावो, अने वधु समाचार माटे जोता रहो गुजरात तक।